नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्कू ने संभावित प्रत्याशियों पर की चर्चा, प्रतिभा सिंह भी पहुंची दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से सोमवार को मुंबई से दिल्ली लौटकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के संभावित प्रत्याशियों को लेकर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी सोमवार शाम को दिल्ली पहुंच गईं। मंगलवार को दिल्ली में प्रस्तावित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू और प्रतिभा सिंह शामिल होंगे। इस बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो सकती है। बुधवार को भी मुख्यमंत्री सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के दिल्ली में ही रहने की संभावना है। 21-22 को रहेगा येलो अलर्ट, मध्य व उच्च पर्वतीय इलाके होंगे प्रभावित। हिमाचल में एक बार फिर से 20 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 21-22 मार्च को बिजली की चमक के साथ गरज के साथ वर्षा व हिमपात होने का येलो अलर्ट रहेगा। इसका असर 24 मार्च तक बना रहेगा। राज्य में मंगलवार को मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में एक दो स्थानों पर वर्षा व हिमपात होने के आसार हैं, जबकि बुधवार को सभी जगहों में मौसम साफ व शुष्क रहेगा। गुरुवार से राज्य में मौसम करवट बदलेगा। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में धूप खिली, जिससे तापमान में इजाफा हुआ। कांग्रेस के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। हिमाचल विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के 6 बागियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सोमवार को बागियों की याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत अयोग्य करार दिए जाने के फैसले पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में ये साफ कर दिया कि अयोग्य ठहराए गए विधायकों को विधानसभा में वोटिंग या कार्यवाही में हिस्सा लेने की कोई इजाजत नहीं होगी। प्रदेश में 4 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद। कांगड़ा में 4, सिरमौर ऊना सोलन जिले में बनाए 2-2 केंद्र। प्रदेश में 4 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। विभाग के द्वारा 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 10 गेहूं खरीद केंद्र बनाए हैं। 4 अप्रैल से केंद्रों में गेहूं की खरीदी शुरू होगी। गेहूं की खरीद प्रदेश में 10 मंडियां बनाई गई, जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, मीलवा, इंदौरा, रियाली, नगरोटा, बगवा, टांडा खोली, जिला कांगड़ा, धौलाकुआं, पापटा साहिब, जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी, जिला सोलन और मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना शामिल है। हिमाचल प्रदेश पंजाब जम्मू के बीच स्पेशल रेल लाइन का काम जोरों पर। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच रेल संपर्क को बेहतर बनाने के लिए दौलतपुर चौक तलवाड़ा रेल लाइन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू होने से रेलवे लाइन के 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इस रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने पर जहां पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं क्षेत्र के विद्यार्थियों, व्यापारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग और आम जनता को भी आवागमन में सुलभता होगी। आचार संहिता का उल्लंघन पड़ेगा भारी, 100 मिनट के अंदर होगी कार्रवाई, इस ऐप से करें शिकायत। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का 100 मिनट में निपटारा करेगा। इस अवधि के दौरान जहां चुनाव आयोग की टीम शिकायत का निपटारा करेगी, वहीं शिकायत पर की गई कार्यवाही की सूचना भी शिकायतकर्ता को देगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने सीविजिल ऐप के माध्यम से आम लोगों को शिकायत करने की सुविधा प्रदान की है। केंद्रीय चुनाव आयोग का बड़ा कदम, अभिषेक जैन का किया तबादला, सीएम सुक्खू से जुड़ी है मुख्य वजह। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री कार्यालय देख रहे गृह सचिव अभिषेक जैन को पद से हटा दिया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अभिषेक जैन को पद से हटाए जाने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद प्रदेश कार्मिक विभाग ने आईएएस अधिकारी अभिषेक जैन को पद से हटाने की अधिसूचना जारी कर दी। अभिषेक जैन मुख्यमंत्री के सचिव पद पर कार्यरत थे। अभिषेक जैन को हटाने के बाद राज्य सरकार जल्द किसी दूसरे अधिकारी को गृह विभाग का जिम्मा देगी। लोकसभा चुनाव के लिए आबकारी विभाग तैयार, 22 अंतर्राज्यीय नाकों और 59 मोबाइल टीम्स का गठन किया। हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अवैध शराब पर रोक और मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार या मुफ्त व कीमती धातु आभूषणों की पेशकश पर रोकथाम लगाने के लिए राज्य कर और आबकारी विभाग की ओर से व्यापक स्तर पर अभियान आरंभ किया गया। विभिन्न जिलों में 22 अंतर्राज्यीय नाके व 59 मोबाइल टीम्स का गठन किया गया है।
आचार संहिता लगने के बाद इस योजना से हटाई गई सीएम सुक्खू और इंदिरा गांधी की फोटो। लोकसभा चुनाव के कारण लगी आदर्श आचार संहिता के बाद इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के आवेदन फॉर्म से मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फोटो हटा दिए गए। योजना के तहत 1500 रूपए की मासिक पेंशन देने का प्रावधान सरकार ने किया है। अब बिना फोटो के फॉर्म तहसील कल्याण कार्यालय में जमा होंगे, लेकिन मामलों पर आगामी कार्यवाही आचार संहिता हटने की बात होगी। आती समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने का मुद्दा फिर लटका, अधिसूचना पर रोक रहेगी जारी, इस दिन होगी सुनवाई। जिला सिरमौर के हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने का मामला एक बार फिर से लटक गया। हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के मामले पर उच्च न्यायालय में रोक बरकरार रखते हुए सोमवार को सुनवाई 27 मई तक टाल दी। बता दें कि एससी समुदाय और गुज्जर समुदाय की तरफ से हाटी को जनजातीय दर्जा देने को लेकर उच्च न्यायालय में अपील की गई है। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष का सुरक्षा घेरा बढ़ा। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। इसके तहत अब उनके काफिले में एस्कॉर्ट के साथ ही सशस्त्र पुलिस कर्मियों से लैस पायलट भी साथ चलेगी। पहले जिला पुलिस दौरे के दौरान पायलट उपलब्ध करवाती थी, इसके साथ ही अब 2 PSO भी 24 घंटे उनके साथ रहे। चालीवाल में शराब का बॉटलिंग प्लान सीज। आखिरकार एक्साइज विंग ने ऊना जिले के औद्योगिक क्षेत्र टहलीवाल में शराब के बॉटलिंग प्लांट को सीज कर दिया। विभाग ने अनियमितताएं पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की है। पूरे प्लांट को सीज करने के साथ साथ शराब की खेप को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस पर अब कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने सूचना के बाद बॉटलिंग प्लांट में निरीक्षण किया और शराब से लदे हुए ट्रक को जब बॉटलिंग प्लांट में पाया तो इसके दस्तावेजों की मांग की। इसके कोई भी दस्तावेज जब प्रस्तुत नहीं किए गए तो आखिरकार विभाग ने कार्रवाई शुरू की। तंत्र मंत्र के चक्कर में मासूम बच्चों के साथ मां लापता, परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। तंत्र मंत्र के चक्कर में 2 मासूम बच्चों के साथ विवाहित महिला के लापता होने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने क्षेत्र के एक तांत्रिक पर महिला और 2 बच्चों के अपहरण का शक जाहिर कर पुलिस के आला अधिकारियों से सहयोग मांगा है। स्थानीय पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज करा दी गई है। पूर्व IAS अधिकारी के बेटे ने घर में लगाया फंदा, सुसाइड नोट भी मिला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व IAS अफसर अमिताभ अवस्थी के बेटे ने सोमवार को रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार शिमला स्थित ब्रॉकहास्ट में उनके आवास में युवक का शव लटका पाया गया। उसने ये कदम क्यों उठाया इसकी पुष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई। मौके से सुसाइड नोट भी मिला, इसमें कुछ बैंक खातों की जानकारी दी गई। इसके अलावा सुसाइड नोट में क्या लिखा है इसका खुलासा पुलिस ने नहीं किया। युवक के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं मिले। पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित कर रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।